सुविधाओं की बात करते हैं, लेकिन कभी आप लोग जो अगर आए सत्ता में अगर आते हैं या अभी जब चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं, तो क्या कभी आप लोगों ने उन डॉक्टरों के बारे में भी कभी आप लोगों ने चर्चा की जिन्हें इंग्लिश ठीक से पढ़ना नहीं आता है, वो डॉक्टरों का इलाज कैसे करेंगे? शायद इस बात पे यहाँ पर ये नोट नहीं किया गया, क्योंकि कई जगह पे ऐसा है जहाँ पे डॉक्टरों को अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती है, इलाज वो ठीक से कर नहीं पाते, लेकिन MBBS की डिग्री लेके बैठे हैं। इस पर क्या करना चाहिए? देखिए, वो MBBS की डिग्री होगी, इस पे हमको संशय है। मैंने आपको एक पहले न्यूज पढ़ा, फर्जी डॉक्टर और फार्मासिस्टों के लिए 36 करोड़ का, ये सरकार का फेलियर है कि ऐसे लोग यहाँ पे कहीं बाहर से पढ़ के या किसी और डिग्री के माध्यम से यहाँ पे इंटर करते हैं। अगर कोई बच्चा नीट क्वालिफाई करके आता है तो नीट बहुत टफ एग्जाम होता है, वहाँ से जो डॉक्टर बन के निकलेंगे, जो MSMD बन के निकलेंगे, उनके लिए ये बहुत छोटी बात है, उनको इंग्लिश नहीं आती है। मैंने एक ही चीज कोट किया कि छत्तीसगढ़ सरकार की नीयत ही नहीं, इच्छा शक्ति ही नहीं है। अगर इनकी नीयत होती, इनकी इच्छा शक्ति होती, तो छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग हर कस्बे में PSC है, उसको अपग्रेड करते, नया बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग बताओ, बहुत पहले एक न्यूज आई थी कि आप प्राइवेट लोग अगर सरकार अगर गांव में जाके अस्पताल खोलते हैं तो जमीन जो है और 20 लाख रुपए सरकार देगी, क्या उस 20 लाख रुपए में CHC और PSC का हेल्थ नहीं सुधर सकता? फिर से वही बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार की नीयत साफ नहीं है और ईमानदार नहीं है और इच्छा शक्ति नहीं है। अगर ये उतने को ही ठीक कर ले तो बहुत अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो सकती है। स्थिति है कि दिल्ली के 300 मरीज प्राइवेट अस्पताल के लिए रेफर किए जा रहे हैं, MRI नहीं हो पा रही है, CT स्कैन नहीं हो पा रहा, रेडियोलॉजी विभाग का बुरा हाल है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल जो हैं, चाहे वो सामरी हो, चाहे वो सुकमा हो, चाहे वो डोंगरगढ़ हो और चाहे वो सरायपाली बसना हो, वहां क्या स्थिति होगी। और ना जाने हम आपको अगली बार बहुत सारी फोटो देंगे, ना जाने कितने PHC और CHC जो है प्राथमिक हेल्थ सेंटर बंद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार बिल्कुल भी संजीदा नहीं है छत्तीसगढ़ के लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लेके, क्योंकि लोग जब छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की सास सुहाओं के लेके बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर 23 सालों में बस्तर में जो भी नक्सली हमले होते हैं उनका इलाज आज भी वहां संभव नहीं है, उनको रेफर किया जाता है और 5 से 6 घंटे के दौरान जब वो रायपुर पहुंचने लगता है तो जो लोग बच सकते थे उनकी जान चली जाती है। इसी प्रकार बहुत सारी ऐसी जगह है जो मैंने डाटा दिया कि खाट पे चारपाई के माध्यम से लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, गर्भवती महिला को चारपाई के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, नदी नाले नहीं बन पाए हैं, और सबसे बड़ी चीज शिक्षा जो विभाग है, चिकित्सा शिक्षा विभाग, वो संजीदा नहीं है। रायपुर के मेकाहारा की PG की कुछ सीटें कम होने की आसार है, क्योंकि इन्होंने बिना रेटिंग असेसमेंट बोर्ड के अनुमति के इन्होंने टीचरों का ट्रांसफर कर दिया है, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी। रेटिंग बोर्ड होता है जो उनके बिना असेसमेंट के या बिना रेटिंग के आप किसी भी टीचर का ट्रांसफर नहीं कर सकते, और इन्होंने बिना असेसमेंट और बिना रेटिंग के टीचरों का ट्रांसफर किया है, जिससे PG की सीटें कट रही हैं। ये हमारा सबसे बड़ा आरोप है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हम बोलना चाह रहे हैं या आम आदमी पार्टी का है कि अगर बस्तर जैसे जिसपे पूरे देश विदेश की मीडिया की निगाह होती है, अगर बस्तर का आदिवासी, छत्तीसगढ़ की पहचान है छत्तीसगढ़ का आदिवासी, वहां का जवान, आज DRG में भी लोग भर्ती हो रहे हैं वही के जवान है, और वहां लोकल फोर्स में जो भर्ती हो रहे हैं वही के जवान है, अगर उनका इलाज बस्तर में नहीं हो सकता, सुकमा में नहीं हो सकता, दंतेवाड़ा में नहीं हो सकता, इसका सीधा मतलब है छत्तीसगढ़ सरकार, चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, वो यहाँ के लोगों के लिए संजीदा नहीं है, उनके लिए उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। आप कल धमतरी के पास एक घटना घटी जिसमें 11 लोगों की जान गई, आप फोटो देखेंगे उसमें तो 2 महिलाओं की लाश एम्बुलेंस पर रखी, उसके ऊपर एक पुरुष की लाश रखी है। इतनी असंवेदनशील है ये सरकार, ना वो लाश रखने वाले उसको देखे ना सरकार देखी, तो
तो इस प्रकार के आपको दर्जनों उदाहरण छत्तीसगढ़ के अंदर मिलेंगे। मैं आपको और एक दिखाता हूँ, खाट पट्टी की स्वास्थ्य सेवाएं, गांव नहीं पहुंचती एम्बुलेंस, मरीजों को चारपाई से पहुंचाया जाता है अस्पताल। जगदलपुर के दूसरी घटना बताता हूँ, संभाग के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं, 8 महीने में 3000 से ज्यादा मरीज रेफर। ये जगदलपुर का है। एक और है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, गर्भवती महिला को खाट पर अस्पताल पहुंचाया गया। ये छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। अंबेडकर अस्पताल में मरीजों का नहीं हो रहा है मुफ्त इलाज, ये दूसरा है। और एक और आपको बताता हूं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल है मेकाहारा, अंबेडकर अस्पताल में रेडियोलॉजी जांच का ऐसा हाल, 1300 बिस्तर का अस्पताल है, रोज 2000 से ज्यादा ओपीडी, लेकिन मशीन सिर्फ एक, रोज 300 मरीजों को लिख रहे हैं एमआरआई और सोनोग्राफी की जांच। वो लोग कहां जाएंगे, भगवान भरोसे हैं। और ये पूरे प्रेस मीडिया और पोस्टर के माध्यम से पूरे देश में ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारा मोबाइल नहीं चल रहा है, हम इलाज कर रहे हैं। आयुष्मान और खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में 2 साल में प्रदेश के 3.81 लाख मरीजों का इलाज, 586 करोड़ का पेमेंट नहीं। जिले में 3.24 लोगों का अब तक नहीं बना आयुष्मान कार्ड, ये रायगढ़ की घटना है। तो ना तो केंद्र शासन की योजनाओं का कोई लाभ मिल पा रहा है, ना छत्तीसगढ़ शासन का योजनाओं का कोई लाभ मिल पा रहा है, और सही भर्ती नहीं होने के कारण इनके जो एमएस एमडी डॉक्टर हैं उनकी सही नियुक्ति या नियुक्ति नहीं होने के कारण फर्जी डॉक्टर फार्मिस्टों के लिए छत्तीसगढ़ बड़ा साफ टारगेट है। जब एमएस एमडी या एमबीबीएस के लोगों की कमी होगी तो यही हाल होगा छत्तीसगढ़ का। मैं आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार से अपील करता हूँ कि जो स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली और पंजाब में हैं उसकी तर्ज पे आप यहाँ कोशिश करें, लेकिन उससे जरूरी चीज है कि ईमानदार नियत होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए, तब जाके आप उस स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल कर पाएंगे। और अब कोई ऐसी घटना छत्तीसगढ़ के अंदर घटती है तो उसके इलाज की जो व्यवस्था है वो वहीं पे हो सके, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो अंबिकापुर हो, चाहे वो राजनांदगांव हो, चाहे वो महासमुंद हो, चाहे रायपुर हो। आप सब भी समय समय पे ये न्यूज आते रहती है कि मेकाहारा की जो एमआरआई मशीन खराब हो गई, कभी सीटी स्कैन खराब हो गया, तो जो 1300 बेड का हॉस्पिटल है वहां पे अगर एक मशीन के भरोसे सरकार चल रही है, इसका सीधा मतलब है कि प्राइवेट अस्पतालों के साथ इनका सांठगांठ है, और ये नहीं चाहते कि सरकारी अस्पताल अच्छे से चले ताकि प्राइवेट अस्पतालों से इनको मोटी कमाई हो सके। धन्यवाद आप लोग।